हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो रिगार्डिंग द केयूपीवाई एस्पिरेंट्स। जो भी स्टूडेंट केयूपीवाई का एग्जाम दे रहे हैं उनका एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। टुडे इज 9 मई। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न आ रहा था कि भैया हमारा जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर कुछ इश्यू आ रहा है, पासवर्ड फॉरगोट नहीं कर पा रहा है। बिकॉज अगर मैं जनरली अगर अपन बात करें तो बच्चों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो सितंबर या फिर अगस्त 2021 के अंदर किया था, और टुडे आज जो है 10 मई या फिर 9 मई 2022 हो चुका है। यानी कि बेसिकली अगर अपन बात करें तो 7 से 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर 7 से 8 महीने अगर हो चुके हैं तो आपके पास ईमेल भी नहीं मिलेगा जो भी आपके पास आया था, और कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी मिल जाए। और बहुत सारे बच्चे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो का पासवर्ड है वो भी भूल गए होंगे। तो जस्ट आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी बच्चे पासवर्ड भूल चुके हैं उनको क्या करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, आपको जो है जो भी डाउनलोड एडमिट कार्ड दिया गया है उस पर क्लिक करो। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जो है अलग वेबसाइट पे ओपन कर दिए जाओगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोगो लिखा हुआ है केयूपीवाई नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट। फिर आपको जो है अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड अगर याद है बिल्कुल करेक्ट, देन आप जो है कैप्चा ठीक से फिल करके लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपको जस्ट ये नहीं याद पासवर्ड की आपका पासवर्ड क्या था, अब बहुत सारे स्टूडेंट का तो ये कंसर्न है कि भैया हमें जो है हमारा यूजर आईडी भी नहीं पता है, राइट? सो यार यूजर आईडी तो आई थिंक जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा होगा, ओके? अब बेसिकली स्टूडेंट का यही कंसर्न है कि भैया एडमिट कार्ड डाउनलोड का करें, हमारा जो है पासवर्ड तो भूल गए, इट्स ओके, यूजर आईडी भी भूल गए। तो ये यूजर आईडी क्या होता है यार? बेसिकली यूजर आईडी जो है ऑलमोस्ट फॉर्म के अंदर तो जो आपका ईमेल आईडी होता है, लेकिन इसके अंदर आई थिंक डिजिट कुछ होना चाहिए, मुझे भी फुल कंफर्म नहीं है। एंड जो भी यूजर आईडी है इसका बेसिक फंडा अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपके पास गूगल का ईमेल है, देन अगर आपने डिलीट नहीं किया है, देन आपको जो है जीमेल में जाना है। और जस्ट आई विल शो यू। तो गाइस देख सकते हैं ये एक ईमेल है, देन आपको जनरली यहाँ पे सिंपल टाइप करना है केयूपीवाई, ओके? एंड जस्ट सिंपल केयूपीवाई टाइप करके जस्ट आप इंटर प्रेस करेंगे, जो भी आपका मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो। एंड आपको जो है आपका जो भी आपकी जो भी ईमेल आई है केयूपीवाई की तरफ से वो आपको शो हो जाएगी। एंड इसमें कुछ जस्ट डोमेन सेलेक्ट होता है keupy.iisc के से डोमेन से ये आपको जो है रिसीव होता है। सो इस प्रकार से जो है आपको ये मिल जाएगा, ओके गाइस? सो जस्ट हम अब देखते हैं जो भी बच्चे पासवर्ड भूल गए हैं, यूजर आईडी उनके पास है, तो वो सिंपली फॉरगॉट पासवर्ड पर जाएंगे एंड जस्ट अपना यूजर आईडी इनपुट डालेंगे जो भी है उनका यूजर आईडी, एंड जस्ट यहाँ से कैप्चा फिल करेंगे, सारे के सारे स्मॉल में ही है, ओके? सो जस्ट एंड गेट पासवर्ड, ठीक है? जस्ट आप इसको बिल्कुल ठीक से फिल करें। और यार सिंपल जो है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको फिर से जीमेल के अंदर जाना है। अब जीमेल में आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक तो सिंपल इनबॉक्स होता है, दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास प्रमोशन, एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है जो भी है सोशल मीडिया, उस पर तो कुछ आता नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपके पास आप चेक कर सकते हो स्पेम के अंदर, स्पेम में आपको एक ईमेल आएगा और वहां पे एक लिंक दिया हुआ होगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पे जस्ट वो एक पोर्टल पे ले जाएगा जहाँ पे आपको जो पासवर्ड भरना है, एक बार कंफर्म पासवर्ड करना है। जैसे आप कंफर्म पासवर्ड करते हैं देन आपका जो है पासवर्ड वही चेंज हो जाएगा, देन आप फिर से जो है इसी वेबसाइट पे आके जो है यहाँ से आप लॉग इन करके फिर से जो है अपना जो भी है डाउनलोड कर सकते हो, एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही। तो ये सिंपल सा फंडा है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भैया जो है हम यूजर आईडी कैसे याद कहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यूजर आईडी नहीं है। तो यार अगर आपने ईमेल जो है डिलीट नहीं किया है देन जो है आप वहाँ पे जा सकते हैं और जस्ट ईमेल पे चेक करो कि आई थिंक आपके ईमेल के अंदर केयूपीवाई की तरफ से ईमेल आया होगा जो भी है आपका गूगल मेल या फिर अदर कोई स्पेसिफिक डोमेन है, और जस्ट उससे जो है आप अपना यूजर आईडी लेके यहाँ पे डाल के फॉरगॉट पासवर्ड करके आप जस्ट चेक कर सकते हो। एंड यही सारा सीन है। और अगर फिर भी आपका कंसर्न सोल्व नहीं होता है देन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जस्ट आपके केयूपीवाई हेल्पलाइन नंबर या फिर एक ईमेल आईडी दिया गया है उस पर भी आप जो है अपनी डिटेल शेयर कर सकते हो। आई थिंक जस्ट कॉन्टेक्ट के अंदर आप देख सकते हो, वन सेकेंड, जस्ट कॉन्टेक्ट नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे कॉन्टेक्ट है ये
यहाँ पे टेलीफोनिक भी है, और जस्ट ईयर एप्लीकेशन रिलेटेड कोई भी अगर क्वारी हो तो दोस्तों आप applications.kupy.iisctoday.in पर ईमेल कर दें, और आपकी अपना जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB वगैरह उनको शेयर कर दें। हो सकता है आपको जो है एग्जाम से पहले पहले आपको वो लोग जो है डिटेल प्रोवाइड कर दें, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। ये जो ईमेल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो जस्ट ये जो फर्स्ट वाला ईमेल है applications.kupy@iisctoday.in, ठीक है गाइस। और यार सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि बहुत दिन हो गए हैं, 5-6 जस्ट सितंबर में था ये कंसर्न, मई अभी चल रहा है, तो 12 महीने में से सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, यानी कि 8-9 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। 8-9 महीने तक बच्चों के पास रहे ना रहे इस जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, क्योंकि जीमेल जो है भर जाता है, बहुत सारे लोग डिलीट कर देते हैं डेटा, तो जस्ट हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिट गया हो। और जस्ट आप इन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, फुल सपोर्ट मिलता है, फुल गाइडेंस मिलती है, NTA की तरह नहीं है बिल्कुल, IISc के अंदर सर्विसेज बहुत फास्ट होती है, और जेन्यून आपको जो है क्वारी का सॉल्यूशन किया जाता है। तो जस्ट आप टेलीफोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, जैसा कि पहले जब कॉन्टेक्ट करते थे एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, देन वो जो लोग बताते थे कि 22 मई को एग्जाम होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई क्वारी हो देन आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। ये टेलीफोन नंबर दिया गया है आपका, अगर जो है आपका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड दोनों भूल गए हैं, तो यूजर आईडी के लिए आप application.kupy. जो भी है iisctoday.in पर कांटेक्ट करें, आपका जरूर से सॉल्यूशन किया जाएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, को पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।